मतलब मैं आप लोग के तरफ से भी बोल रहा हूँ, कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। महंगाई तो मिलना चाहिए, पैसा हो सब तो देंगे। ये तो सरकार कह रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो आप कह रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ, पैसा नहीं है। ईमानदारी बात है, आप लोग का उस दिन हम बोल रहे थे कि 5-6 हजार करोड़ रुपया बन रहा है, तो सरकार 5-6 हजार करोड़ देने की औकात ही नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा। जितना आपको दे रही है उतना तो दे रही है ना, 40 हजार करोड़ तो दे रही है आप लोग को। आप कह रहे हो कि 5 हजार करोड़ और चाहिए, तो आज के दिन उसकी स्थिति नहीं है देने की 5 हजार करोड़। जैसे 6% दे दिए और 6% बाकी है, उसमें से 4% तो हम लोग टैक्स के रूप में आपको नहीं देंगे वापस, केवल 2% का तो मामला है। सबको कहाँ मिलता है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार को जाएगा ना, यहाँ कहाँ मिलेगा 40%। सब हम लोग, मैं मतलब घुमाने फिराने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सही स्थिति आए तो सर सकते हो, जो सही स्थिति बता रहा हूँ कि सरकार के बहुत सभी राज्य दे दिए हैं, सभी गरीब से गरीब राज्य, यहाँ तो बहुत सारी सामान्य राज्य है, वो सभी चीजों से यहाँ नरवा गरवा गोबर सब ज्यादा हो गया है, किसान किसान को देना प्राथमिकता समझा है, आप लोग प्राथमिकता में और फिर अभी नियमितीकरण करना, बाकी चीज का खर्चा आएगा वो कहाँ से लाएगा सरकार। और जो आपके अपने कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए अभी और काम भी तो करना है बाबा, लेकिन हम लोग को तो ये मिलता आया है और हम लोग तो चाहेंगे कि हमेशा ही मिलता रहे, केंद्र भी दे रहा है, सभी राज्य भी दे रहे हैं, बात करने में दिक्कत कहां है, हड़ताल पर हड़ताल चल रही है, बात आप पहुंचाया जाए और एक पत्र भी जारी करना, मैं सीएम साहब को दे दूंगा एक पत्र जो है बाबा आपकी तरफ से, लेटर हां एक लेटर चला जाए, मैं सीएम साहब को दूंगा। हम लोग यही कह रहे हैं बाबा कि 2019 से हमारा कोई एक आपके लेटर बकाया आया था बाबा, आपके अलग से जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का ग्रुप है उसमें आपके लेटर को हम लोग हाईलाइट करते हैं।